नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में सामाजिक समीकरण का जो विस्तार किया है उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। जदयू ने मंत्रिपरिषद विस्तार के जरिए न सिर्फ अपने सामाजिक बल्कि क्षेत्रीय आधार को भी साधने का प्रयास किया है। अगले वर्ष तक विधानसभा चुनाव भी होने हैं, इसके मद्देनजर इस विस्तार में चुनावी राजनीति का भी पूरी तरह से ख्याल रखा गया है। सामाजिक आधार पर देखा जाए तो स्वर्ण वर्ग से केवल दो नेताओं यानी संजय झा और नीरज कुमार को जगह प्राप्त हुआ है। वहीं पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्ग से दो दो अर्थात कुल छह लोग मंत्री बनाए गए हैं। दलित समाज का जदयू का आधार वोट रहा है। इस समाज से अशोक चौधरी एवं श्याम रजक को मंत्री बनाकर जदयू ने दलित वर्ग में अपनी पैठ कायम रखने का प्रयास किया है। वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व के लिहाज से देखें तो नए मंत्रियों में अल्ली नगर विधायक नरेंद्र यादव मधेपुरा के रहने वाले हैं। इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में यादवों का वोट जदयू के खेमे में गया था। मधेपुरा तथा बगल की सीट सुपौल दोनों पर पार्टी ने विजय पताका लहराया। नरेंद्र नारायण यादव को एक अंतराल के बाद फिर से नीतीश कैबिनेट में जगह प्राप्त होने से मधेपुरा सहित मिथिलांचल के यादवों को अपनी तरफ में जदयू ने करने का संदेश दिया है। आपको बता दें कि पहले से ही मधेपुरा इलाके में विनोद नारायण झा भाजपा के कोटे से सरकार में मंत्री हैं। ब्राह्मण समाज के संजय झा को मंत्री बनाकर जदयू ने इस वर्ग में भी अपनी पैठ बढ़ाने की पहल की है। संजय भी मधुबनी जिले के ही रहने वाले हैं, मधेपुरा से ही लक्ष्मेश्वर राय भी हैं। मालूम हो कि यहाँ से लोकसभा में भाजपा के अशोक यादव जीते थे। इसी तरह ललन सिंह के सांसद बन जाने से जदयू के मंत्रिमंडल में भूमिहार समाज का प्रतिनिधित्व नहीं रहा था। नीरज कुमार को लाकर इस कमी को पाटा गया है। इसी तरह बिहार में नए कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार ने अपना अलग समीकरण देकर के बनाया है, जिसमें कि भाजपा और लोजपा एनडीए गठबंधन को जगह अभी नहीं दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।